सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन्स को तो आपने बहुत बार काम में लिया होगा, तरह तरह की फोटोकॉपीज करवाई होंगी, कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, छोटी वाली, बड़ी वाली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीन काम कैसे करती है? आज दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोटोकॉपी मशीन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मशीन दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आप बड़े ही आराम से इन कागज़ों को, जहाँ पे कुछ भी लिखा हो उनको आप बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़ी ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो ग्लास है उसके ऊपर आप अपने कागज़ को रखते हैं उल्टा। यहाँ पे दोस्तों नीचे से एक लाइट है, वो स्कैन करती है आपके पूरे कागज़ को। और उस टाइम पे हो रहा होता है ये कि जो लाइट दोस्तों है वो आती है आपके कागज़ के ऊपर और वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है नीचे एक ड्रम है बड़ा सा उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो आपके कागज में दोस्तों टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए वहां पे कुछ ब्लैक है, कुछ व्हाइट पार्ट है, तो यहाँ पे जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो भी उसी पैटर्न में होगा। और जो ड्रम दोस्तों नीचे है वो भी उसी के साथ साथ घूमना स्टार्ट करता है, जिस तरह से वो जो लाइट है वो आपके कागज को स्कैन कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों वो जो ड्रम है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज, उसके ऊपर लगा होता है एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड जो कि लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। जहां जहां पर लाइट पड़ी वहां पर उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, जहां पर लाइट नहीं पड़ी वहां पर उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में कागज था वहां पर जो भी चीज है उसका हमने कंप्लीट पैटर्न जो है वो उस ड्रम के ऊपर तैयार कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद में होता यह है कि आपके पास में होता है एक टोनर। टोनर यानी कि आपका वो जो पाउडर जिस पे दोस्तों आपकी जो कंप्लीट इंक है ब्लैक वो बेसिकली छप जाएगी। तो यहां पे वो जो आपका बड़ा ड्रम है उस पे, क्योंकि दोस्तों यहां पे हमने यूज किया है उस स्पेशल कंपाउंड को जिसका नाम है बेसिकली सेलेनियम, वहां पे जहां जहां पे आपको फोटोकॉपी, मतलब आप समझ लो कि आपका नाम लिखा है, कुछ भी डॉक्यूमेंट दोस्तों कुछ भी यहां पे प्रिंट किया हुआ है, तो जहां जहां पे आपको बेसिकली प्रिंट करना है वहां वहां पे वो जो टोनर है वो चिपक जाता है, बिकॉज वो जो कंपाउंड था उसके बिहेवियर की वजह से आपने वही पैटर्न उस ड्रम के ऊपर तैयार कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद में हम जो है वो कागज अंदर भेजते हैं मशीन के अंदर। जो कागज है पहले उसको भी चार्ज करते हैं, जिससे अब जब वो कागज आएगा नजदीक उस ड्रम के, तो यहां पे वो जो टोनर है वो आ जाएगा उस कागज के ऊपर। और फाइनली दोस्तों इसके बाद में होता है फ्यूजन, जहां पे रोलर्स की मदद से, गर्मी की मदद से प्रेस करके वो जो टोनर है उसको कागज के ऊपर परमानेंटली इंप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद में आपको कागज निकलता है बाहर और वही का वही सेम टू सेम जो आपने रखा था मशीन के अंदर। दोस्तों, हालांकि जो टेक्निक है ये पुराने वाली स्टाइल की मशीन्स की है जो कि होती थी एनालॉग, अभी आपको मिलती है डिजिटल मशीन्स जहां पे आप रिड्यूस कर सकते हैं साइज फोटोकॉपी का 20% 25%। वो छोटी वाली कॉपी आपको याद है ना आपने क्यों करवाई है कभी लास्ट टाइम। इसके अलावा आप पे एनलार्ज कर सकते हैं, आप डिजिटली जो आपका कंट्रास्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पे होता यह है कि वो जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट वो चेंज हो गया है। यहां पे आपके पास में होता है एक सेंसर जो बेसिकली आपके उस कागज की या जिस भी चीज की आपको फोटोकॉपी करनी है उसकी फोटो क्लिक करता है, और फोटो क्लिक करने के बाद में आप उसको डिजिटली स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि आपने पहले बहुत सारे 150 पेजेस के साथ अपनी कॉपी पहले स्कैन निकाल दिया, बाद में बटन दबाया, जितनी कॉपी चाहिए उतना वो खट 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 जो है वो कागज कंप्लीट प्रिंट कर रहा है। प्रिंटिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि होती है आपकी लेजर प्रिंटर में, लेकिन यहां पे आप बेसिकली वो लाइट रिफ्लेक्शन वाली मदद से आप उसको रोलर टोनर वाला वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप नॉर्मली उसकी एक नीचे से फोटो क्लिक कर रहे हैं सीसीडी सेंसर के थ्रू। ये दोस्तों सेंसर है सीसीडी, ये होता है चार्ज कपल डिवाइस, एक तरह का सेंसर जो हम पहले कैमराज में काम में लेते थे, आजकल हम लेते हैं, आजकल दोस्तों हम काम लेते हैं बीएसआई या फिर सीमॉस, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में सीसीडी जो है वो अपना काम कर देता है। दोस्तों, यहां पे जो स्कैनर आप काम में लेते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो एक फोटोकॉपी मशीन में होता है। बेसिकली जो स्कैनिंग वाला पार्ट है वही आपके कंप्यूटर स्कैनर के अंदर भी सेम चीज काम में आती है। यहां पे अभी आपके पास में कॉम्बो डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जहां पे वो स्कैनिंग का काम भी करेगा, फोटोकॉपी भी करेगा, प्रिंट भी करेगा, फैक्स भी करेगा, लेकिन यहां पे जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल है। जो बेसिक मशीन है वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन है और उसी को दोस्तों सारी कंप्लीट कहानी है कि कैसे जो है वो चार्ज पार्टिकल्स चिपक गए, टोनर इधर आ गया उधर आ गया, फाइनली जो भी चीज थी वो आपके कागज के ऊपर निकल के आपके सामने आ गई। दोस्तों, फोटोकॉपी जो है वो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब ऐसा था कि लोगों ने इसको हजम नहीं किया, सोचते थे कि यार हम कागज की कॉपी क्यों करेंगे, लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ सालों से हम मतलब रोजाना पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स की कितनी बार फोटोकॉपीज करते हैं। और आप खुद जानते हैं कि वो 10 पैसे 5 पैसे रुपए की एक कॉपी से लेके आज 1-2-3 रुपए एक फोटोकॉपी के, मतलब जो आपने देखा है खुद ने स्कूल्स में कॉलेजेस में आप उसको कितना ज्यादा काम लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे का बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।